नमस्कार सर, स्वागत है के साथ आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी डेट आपको बताएंगे दोस्तों, देश के किसानों का जबरदस्त तरीके से काला दिन मनाने की जानकारी सामने आ रही, बताएंगे किस तरीके की जानकारी किसानों ने दी है दोस्तों। वहीं पर 30 से ज्यादा कंपनियों पर ईडी सीबीआई और आईटी के छापे पड़े, इसके बाद बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा मिला है, बताएंगे क्या बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों। और क्या बीजेपी किसानों की मौत मामले को लेकर माफी मांगने वाली है, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, क्योंकि एक और किसान की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में सीट बंटवारा बुरी तरीके से फंसा हुआ है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों की एक एक मांगे पूरी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत में चुनावों के पहले एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन जबरदस्त देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच में अभी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच बुधवार को एक युवक की मौत के मामले को लेकर किसानों ने आपातकाल बैठक बुलाई, इसके बाद आज काला दिवस लगातार किसानों की ओर से मनाया जा रहा है दोस्तों। 26 तारीख को ट्रैक्टर निकालकर किसान प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद मार्च में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया है। अब दुनिया भर के अंदर किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले ट्विटर की ओर से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया था कि वो किसानों के राइट टू स्पीच का समर्थन करते हैं, यानी बोलने के अधिकार का समर्थन करते हैं। और ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने किसानों के प्रदर्शन में युवा की मौत के मामले को उठाया है। तनमनजीत सिंह ने अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सिख समुदाय और स्थानीय गुरुद्वारा कमेटियों ने मुझे चिंता जताते हुए भारत में किसानों की सुरक्षा पर लिखा है। कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी की पुलिस गतिरोध में मौत के मामले को लेकर उन्होंने आगे कहा कि युवा किसान की मौत का कारण गोली लगना है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। ट्विटर ने माना है कि भारत में उसे कुछ पोस्ट डिलीट करने, अकाउंट हटाने को कहा जा रहा है। उन्होंने आगे सरकार से पूछा कि क्या वह किसानों के मानवाधिकार के प्रोटेक्शन चाहती है और इस पर क्या कार्रवाई करेगी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने जवाब देते हुए, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एनी मोरांटा ने जवाब देते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, सरकार सुरक्षा के साथ प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करती है। विदेश कार्यालय ने उनके बयान को सुना है, मंत्री उनके ऑफिस को जल्द ही जवाब देंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया है कि खनौरी बॉर्डर पर जो एक युवा की जान गई है, ये पुलिस प्रशासन की गलती के कारण गया है, इसीलिए गृह मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की जा रही है। सांसद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एसकेएम और तमाम किसान संगठनों ने आज जगह जगह हरियाणा पंजाब में जोरदार प्रदर्शन किया है, काले दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज का पुतला फूका गया है दोस्तों। तुराराम चौक पर भी पुतला फूका गया है, इस्तीफे की मांग की गई है। इससे पहले शहीद युवा किसान सुभाकरण सिंह को एक मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गई है। खनौरी बॉर्डर के पास एक और किसान की मौत के मामले को लेकर किसान नेताओं ने उनके परिवार को नौकरी देने की मांग की है। आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जयराम रमेश ने कहा कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में करीब 30 प्राइवेट ऐसी कंपनियां थी जिनके खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया, फिर इन्हीं कंपनियों ने पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये चंदा नहीं बल्कि हता वसूली है। मोदी सरकार के द्वारा जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, ये खाता बंदी है। कांग्रेस के सभी खातों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, इससे हम डरते नहीं है। इस लड़ाई को हम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2018-2023 के बीच में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया, फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, ये हता वसूली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ न्यूज 24 की ओर से पूछा गया कि क्या एनडीए इस बार 400 का आंकड़ा पार करेगी, तो जवाब देते बताया गया कि 400 प्लस का बीजेपी आंकड़ा पार करेगी। ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या 13% है, यानी 100 में से मात्र 13 लोग इस बात से समर्थन करते हैं, जबकि 76% लोगों का मानना है कि बीजेपी 200 के आंकड़े को भी टच नहीं कर पाएगी। इस पर जवाब देते हुए आईपी सिंह ने कहा कि ऑनलाइन सर्वे में जनता बीजेपी को औकात बता रही है, 200 सीटें भी मोदी बीजेपी को नहीं आ रही है। सोशल मीडिया से ही मोदी जी सिकंदर बने हुए थे, आज वहीं से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप लोग क्या मानते हैं दोस्तों, बीजेपी को कितनी सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, लिखकर जरूर बताएगा। शासक किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार किसान का नाम दर्शन सिंह है, जो 62 साल के हैं और 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के अंदर शामिल हुए थे। अब तक 5 किसानों की मौत के मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 लाख के कर्ज वाला अगर किसान अपनी जान गंवा रहा है, तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी थ्योरियां सामने आ रही है कि बड़े किसान है और कोई छोटा किसान नहीं है, सारे जमींदार है, ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत साबित होती नजर आ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, साथ साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिए।